नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र आप लोग को बताऊंगा। मंत्र है मारतंड भैरव का। भैरव जी के नाम पर बहुत दुष्प्रचार हुआ कि बहुत डरावने देवता हैं, बहुत उग्र देवता हैं। इसका कारण ये था कि ये ताम भाव में इनकी पूजा होती है, दक्षिण मार्ग में भी तामसिक पूजा होती है। तो एक इनका परसेप्शन बना कि ये बहुत उग्र देवता हैं, तो शुरू से इनको बहुत डर से देखा गया, लोग बहुत डर से इनकी पूजा करते हैं। पंचमकार को लेकर के और भी बहुत तरह की भ्रांतियाँ हुई, लेकिन किसी भी देवता का पूजा वाम और दक्षिण मार्ग दोनों से होता है। और भैरव जी में भी ये एप्लीकेबल है। जो बहुत उग्र भैरव हैं वो ताम भैरव हैं, और उनका प्रयोजन होता है कि जो साधक है उसके अंदर के शत्रु को और उसके बाहर के शत्रुओं का नाश करना। ऐसे भैरव जी का बहुत सारा रूप है, 52 रूप तंत्र मार्ग में भैरव जी के माने जाते हैं। उसमें से एक है मारतंड भैरव। मारतंड भैरव की खासियत यह है कि बहुत छोटे समय में आप इनको सिद्ध कर सकते हैं, बाकी किसी भी भैरव के रूप को सिद्ध करने में काफ़ी समय लगता है। कैसे करते हैं मारतंड भैरव की साधना, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इनका जो मंत्र है वो आप जब जाप भी करोगे ना तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा शक्ति देगा, और जो आपका शत्रु है वो शत्रु आपके विषय में सोचेगा ना तो वो मानसिक रूप से सोचने की शक्ति खो देगा आपके विरुद्ध में, ठीक है। और बहुत पावरफुल बनाता है ये साधना आपको, और अथॉरिटी देता है जीवन में परिवार में। इसको कब करना होता है, कृष्ण पक्ष अमावस्या में जो अष्टमी आती है, मतलब जिसको भैरव अष्टमी हम कहते हैं, उस दिन या फिर अमावस्या के दिन या किसी मंगल या शनिवार को आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसको रात में ही करना होता है, ठीक है। एक यंत्र बनाना होता है भैरव जी का, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एक ट्रायंगल खींचते हैं, उसके सामने में ओम लिखते हैं, बीच में ह्रीम लिखते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कम लिखेंगे और आपके राइट हैंड साइड में वम लिखेंगे, ठीक है। जो ह्रीम लिखते हैं उस पर एक दीपक रखते हैं, जो कम लिखते हैं अगर आप वाम मार्गी हैं तो उसमें शराब, गुड़, बड़ा, दही और मछली रखेंगे, और अगर आप सात्विक पूजा करना चाहते हैं तो दही, बड़ा और गुड़ रखेंगे वहाँ पर, और जहाँ वम लिखा है वहाँ पर दही और गुड़ रखते हैं, ठीक है। ये भैरव जी का यंत्र तैयार हो जाता है। उसके बाद जो पंच पूजा होती है भैरव जी की वो करनी चाहिए। देखो, भैरव जी का जब आप साधना करते हो तो मन में भय नहीं रखना चाहिए। बहुत साधक बोलते हैं कि गुरु जी ये साधना अगर हम करेंगे तो क्या मेरा कोई अनिष्ट हो जाएगा। कभी भी किसी साधना या किसी पूजा से अनिष्ट नहीं होता। मैं अपने एक शिष्य की बात बताता हूँ, उसको खप्पर मंत्र दिया था। तो आप में से जो खप्पर मंत्र जानते हैं, खप्पर धरती खप्पर आकाश, उसमें एक लाइन है, राजा मेरे राजपाट से जाए, जोगी मेरे जोग ध्यान से जाए, ठीक है। अब बहुत दिन बाद मैंने उस शिष्य से पूछा, तुम्हारा सिद्ध हो गया क्या खप्पर? तो उसने बोला, नहीं गुरुजी, मैंने सिद्ध नहीं किया है। उसका कारण यह है कि उसमें एक लाइन है कि राजा मेरे राजपाट से जाए, जोगी मेरे जोग ध्यान से जाए, इसीलिए डर से मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब देखो, समझ का फेर क्या है यहाँ पर।
ये जो लाइन है इसका ये मतलब होता है कि जो काल भैरव के सेवक हैं उससे अगर राजा लड़ेगा तो उसका राजपाट समाप्त हो जाएगा, और कोई जोगी लड़ेगा तो उसका जोग ध्यान सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को कालांतर में लोग ना समझते हुए भैरव जी की साधना से दूर भागते हैं। तो मार्तंड भैरव की जब आप साधना करेंगे तो आप लाल वस्त्र पहनेंगे, ठीक है। लाल वस्त्र पहन करके, और अगर घर में कर रहे हैं तो ये यंत्र बना लिए, अगर भैरव मंदिर आपके पास है तो भैरव मंदिर में बैठ करके इसकी साधना करें, स्नान करें, लाल वस्त्र पहने और नॉर्थ की तरफ देखते हुए, हाँ आपके नॉर्थ के तरफ ही आपका ये जो यंत्र बनाया है या भैरव जी की अगर मूर्ति है मंदिर में तो वो आप सामने रख सकते हैं, वो उसके सामने बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे, गूगल धूप देंगे और चमेली का तेल का दीपक देंगे, ठीक है। हर रात इसका 51 माला करना है। ये प्रयोग आप अपने हिसाब से 5-11 या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन करना चाहिए, और वो जो आप माला जिस पर जाप करेंगे उस माला को रख लीजिएगा, उसको विसर्जित मत करिएगा, ठीक है। मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र सुनिए, 3 बार बोलूँगा, ओम हरिओम त्रिम, ओम हरिओम त्रिम, ओम हरिओम त्रिम, ठीक है। ये मंत्र है, इस मंत्र का 51 माला आप करेंगे तो आपको ऐसे तो पहले दिन से ही इसकी शक्ति पता चल चल जाती है। हरिओम, हरि ओम नहीं है, हरिओम त्रिम, ठीक है, ओम हरिओम त्रिम, पहले दिन से इसकी शक्ति आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर 5 दिन का करते हैं इसका विधान या 21 दिन का करते हैं, ठीक है, तो जिस प्रयोजन से आप इसको करना चाह रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा। ये आज का साधना था। एक साधना मतलब किसी ने मुझे बोला है कि भैरव यंत्र बनाने का पूर्ण विधि सिखाने, ठीक है, तो मैं एक वीडियो बताऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसी रेखा खींच करके ये सामग्री रखनी है, लेकिन इसमें आगे भी चीज़ें होती हैं कि मंत्र से जो भैरव यंत्र बनता है उसका एक अपना प्रभाव रहता है, तो वो मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.अघोरतंत्रहस्य.com या www.अघोरतंत्रहस्य.xyz पर जाके अपॉइंटमेंट ले सकता है। फ़ोन पर डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आप उससे मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भैरव आप लोगों की रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।